हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बड़ा ही क्विक रेसिपी लेकर आई हूँ, मिक्स फ्रूट्स कस्टर्ड पेस्ट्री। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। आप इसे कभी भी डिजर्ट के रूप में बनाइए, बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो चलिए हम मिक्स फ्रूट्स कस्टर्ड बनाना शुरू करते हैं। कस्टर्ड बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है आधा लीटर दूध, 4 चम्मच शक्कर, आधा कटोरी हमने ठंडा दूध लिया है, 2 से 3 चम्मच हम कस्टर्ड पाउडर लेंगे, कुछ मिक्स फ्रूट्स, केला, दाड़म और अंगूर। यहाँ पे आप अपने मनपसंद का फ्रूट्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने एक पैन रख लिया है और इसमें हम आधा लीटर दूध डाल के उबालेंगे। ध्यान रहे, दूध डालिए तो आप चलाते हुए उबालिए, नहीं तो पेंदी भी जो है लग जाता है, फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। जब तक अपना दूध उबल रहा है तब तक हम ठंडे दूध में कस्टर्ड का घोल बना लेंगे। तो ध्यान रहे, कभी भी आप कस्टर्ड का घोल बनाइए तो ठंडे दूध में बनाइए, नहीं तो गर्म दूध में डायरेक्ट कस्टर्ड डालने से उसमें लम्स आ जाता है और फिर तो पकाने में वो गुठलियां जाती नहीं है। तो हम यहाँ पे घोल बना लेंगे। इधर हमने घोल बनाया, उधर अपने दूध में उबाल आ चुकी है। तो चलिए अब हम इसमें कस्टर्ड का घोल डालेंगे। एक हाथ से हम दूध को चलाएंगे और दूसरे हाथ से हम धीरे धीरे कस्टर्ड का घोल डालेंगे। घोल डालने के बाद हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो पेंदी में कस्टर्ड जाके जम जाता है, फिर मजा नहीं आता है। आप देख सकते हैं, हमने अच्छे से कस्टर्ड की घोल को दूध में मिक्स कर लिया है। तो इसे हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे, इतने में अपनी कस्टर्ड की घोल गाढ़ी हो जाती है। आपका दूध ज्यादा है तो आप 5 मिनट भी पका सकते हैं। एक बार मैं आपको इसकी थिकनेस दिखा दे रही हूँ, कैसी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो आप देख लीजिए। क्योंकि कस्टर्ड ठंडा होने पे और भी गाढ़ा होता है, तो हमें ऐसी ही कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम फ्लेम को बंद करके और इसे 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए ठंडा करेंगे, क्योंकि ऊपर की परत पे एक छाली जैसी जम जाती है, फिर वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं, अपनी कस्टर्ड जो है रूम टेम्परेचर पे ठंडी होने को आई है। इसे हम अब एक बॉल में, अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। तो यहाँ पे शक्कर अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। अगर ज्यादा मीठा पसंद है तो 4 से 5 चम्मच कर लीजिए। हमने यहाँ पे 4 चम्मच शक्कर डाल के अच्छे से घोल लिया है। अब हम इसको एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। पहले से अपनी गाढ़ी हो चुकी है कस्टर्ड। अब हम इसमें फ्रूट्स मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ग्रेप्स डालेंगे, उसके बाद बनाना डालेंगे और बाद में हम इसमें दाड़म डाल लेंगे, यानी कि अनार के दाने। तो आपके पास जो भी फ्रूट्स है उसे डालिए और उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ध्यान रहे, कस्टर्ड अपनी गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जब भी हम गर्म कस्टर्ड में डालेंगे फ्रूट्स तो वो पका पका सा दिखता है, ना ही उसका स्वाद ऐसा रहेगा और ना ही दिखने में अच्छा लगेगा। तो आपने देख लिया, हमने सभी फ्रूट्स को मिक्स कर लिया है। अब हम इसे फ्रीज में रखेंगे। तो आप 1 से 1.5 घंटा फ्रीज में इसे ठंडा करने के लिए छोड़ सकते हैं। 1 घंटा हो चुका है, अब आप देख सकते हैं अपनी कस्टर्ड कितनी अच्छी जम चुकी है। इसे हम एक बॉल में ट्रांसफर करके आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, ये खाने में बहुत ही लजीज लगता है, बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा दाड़म से गार्निश कर लेते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा मिक्स ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, इससे स्वाद भी बढ़ जाता है और दिखने में भी सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कस्टर्ड बनाना कितना आसान है, खाने में तो टेस्टी लगता ही है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।